So what is up guys, it's me Shubhayan Das, your average NEET aspirant. My last video was on the topic of NEET exam, and in that video I said that my next video is going to be on WBJ exam. Before 30th April मेरा WBJE का डेट था, एंड यस हाँ जी मैंने WBJE भी दिया है. नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होने वाला है एग्जाम. सो हियर इट इज़. इन दिस वीडियो आई बी शोइंग और शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ माई WBJE एग्जाम. इन माई लास्ट वीडियो आई ऑल्सो सेड वन थिंग दैट आई वॉज फोर्स टू ऑप्ट ऑल ऑफ द फोर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स. सो मैंने सोचा कि मैथ्स ले ही लिया है तो वाई नॉट गिव इट ऑल. मैं WBJE भी दूंगा और JEE एग्जाम भी दूंगा. But I don't have that kind of attachment, or I don't know why, but I have a sublime, मतलब बहुत कम ना faded hate for engineering. I don't find it quite fascinating. मतलब अपने चार साल एक कोर्स को दो, जो पहली बात तो आपको पसंद नहीं है. अभी तो एक रैट रेस चली है कि सबको CSE करना है. तीन चार साल मतलब पाँच छः साल पहले सबको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल गया था, क्योंकि रोबोटिक्स नया नया मार्केट में आया था. पर उसमें भी चलो किसी किसी का पैसन था, पर अभी सबको CSE पढ़ना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन IT सेक्टर जॉब. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब इंजीनियर्स दल्ले होते हैं, मतलब अ माइनॉरिटी ऑफ देम 5-6% आर देयर फॉर द प्योर पैशन, बट 70-80% इट इज़ अ फैक्ट कि 70-80% ऑफ इंजीनियर्स आर देयर बिकॉज दे हैव नथिंग बेटर टू डू इन लाइफ, एक और नहीं तो दूसरा दे वेयर फोर्स्ड बाय देयर पेरेंट्स. अभी तो मतलब CSE करना है कि कोडिंग पसंद है, ये इसके लिए नहीं कि कोडिंग पसंद है. अभी CSE के मतलब अभी CSE को लेकर पढ़ना है क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि हाँ सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा कॉलेज है, CSE का कोर्स किया, और इसी सब भेड़ चाल में एक दूसरे के पीछे पड़े हुए. जस्ट फॉर दिस फैक्ट एंड द फैक्ट दैट आई डोंट फाइंड दैट अटैचमेंट, आई डोंट फाइंड दैट फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग. मतलब आई डोंट फाइंड इट प्रैक्टिकल कि मैं एक चीज़ 4-6 साल पढ़ूंगा फिर मैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा. आई अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज़ अ सेकेंड वर्ल्ड नेशन. इंडिया का वो सर्वाइवल फेज चल चुका है, अभी इंडिया का स्टेबिलिटी वाला फेज है. सो एवरी वन वॉन्ट्स सिक्योरिंग अ फ्यूचर इंश्योरिंग एंड अ स्टेबल जॉब. सो वट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट, इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन जाओ. आई नो बट स्टिल आई डोंट फाइंड it quite passionful and my heart doesn't says to opt for engineering. So you all know I am going to pursue medical. चलिए बहुत हेड स्प्रेड हो गया इंजीनियर के अगेंस्ट, बट वी cannot इग्नोर द फैक्ट दैट द मॉडर्न वर्ल्ड revolves अराउंड इंजीनियर्स. द मॉडर्न वर्ल्ड विल स्टॉप इफ इंजीनियर्स स्टॉप एग्जिस्टिंग, एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ विल श्योरली डिटोरिएट विदाउट इंजीनियर्स. So let's keep it there and gets back. So keep it here and get back to the video. But इस साल WBJE का एग्जाम देना was worst mistake of my life तो नहीं बोलूँगा, but it was majorly a bad decision. क्योंकि WBJE का डेट ठीक 1 week पहले, मतलब WBJE का डेट था 30th April को, और उसके 7 days के इंटरवल में मेरा NEET का डेट था. तो यहाँ से कोलकाता आने जाने में, रुकने में मेरे 5-6 दिन बर्बाद कर गए, एंड इट श्योरली कॉस्टेड मी अराउंड 40-50 marks इन NEET. क्योंकि मेंटल एग्जॉशन हो गया था, उसके बाद आने के बाद इंटेंसिटी भी फेड हो गया था, थक गया था, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. सो दिस ईयर गिविंग WBJE वॉज अ बैड आइडिया. मतलब मेरा कोई एस्पिरेशन नहीं था कि WBJE करके मेरे को वेस्ट बंगाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए. इट वॉज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट फॉर NEET. इसी रीज़न से मैंने एज अ मॉक के हिसाब से दिया. आई डिडेंट हैव अ हाई एस्पिरेशन और हाई होप्स और हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस एग्जाम. आई गेव इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि पिछला साल भी मेरे अच्छा रैंक आया था. मेरा आई थिंक अराउंड 11K रैंक आया था BTEC में, और 6-7000 रैंक आया था BPharm. इस साल भी मेरा एग्जाम में बढ़िया रैंक आ रहा है. इस बार आई थिंक under 7K आएगा BTEC में और under 4K आएगा BPharm में. सो इट इज़ गुड. That is it for the video. मेरा एग्जाम, हाँ एग्जाम अच्छा गया WBJE का, बट इट वॉज मेंटली एग्जॉस्टिंग कि वहाँ जाओ और भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल का गर्मी भी तो अलग लेवल में है, फिर वहाँ पर जाके वापस रांची में आके NEET का प्रिपेयर करने के लिए आई वॉज एग्जॉस्टेड. एंड आई मेरे को जितना हो सका मैंने कोलकाता के रिकॉर्ड्स क्लिप किए, और आई एडिटेड इट एंड मेड अ क्विक व्लॉग आउट ऑफ इट. सो एन्जॉय माई क्विक व्लॉग. वापस
Here I come. Oh, here I come. होल्ड अप, आई कैन एक्सप्लेन वॉट हैपन बैकअप. मैं तो मतलब मैं कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा था. आई वॉज इन स्नीकिंग पीकिंग. मैं कुछ मतलब इधर से उधर कुछ मतलब चीट्स वीट्स को ऐसा का नहीं था. मतलब हावड़ा स्टेशन आई फाइंड इट क्वाइट फैसिनेटिंग, क्योंकि अभी वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो सब कुछ ओपन है और सब कुछ इधर से उधर दिखता है. तो आई थॉट वाई नॉट रिकॉर्ड इट, क्योंकि एक बार बन जाएगा हावड़ा तो सब बंद हो जाएगा, ये क्लोज डोर्स हो जाएगा. मुझे नहीं पता था क्योंकि कहीं पे, और मैं तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. मैंने एक भी जगह नहीं देखा था कि दिस इज़ अंडर मिलिट्री सर्वेलेंस सो डोंट रिकॉर्ड, और रिकॉर्डिंग इज़ इलीगल हियर. मतलब कोई बोर्ड कुछ नहीं लिखा था डू नॉट रिकॉर्ड, डू नॉट यूज़ फ़ोन का. मैं कैजुअली रिकॉर्ड कर रहा था और एक पुलिस वाले आके मुझे रोक देते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर रिकॉर्ड. फिर मैंने उनको जस्टिफाई किया कि हाँ मतलब ऐसे ही कैजुअली रिकॉर्ड कर रहा था. मैंने उनको बताया कि दूसरी तीसरी बार ही आया हूँ, नया नया कोलकाता आया हूँ. पर वो माने नहीं, उन्होंने भी अपना एक सब इंस्पेक्टर को बुला लिया. फिर अच्छा से 5-10 मिनट पूछताछ की कि क्या एग्ज़ाम देने आए हो, क्यों देने आए हो, कौन सा ट्रेन है. मतलब बहुत फकिंग ऑकवर्ड बन गया था वो. तो मतलब वो रेस्पेक्ट टू द पुलिस मैन, दे वर डूइंग देयर वर्क एंड दे वर आस्किंग, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीवन वाज रिकॉर्डिंग. सब कोई जल्दी जल्दी जा रहा था पैसेज में और मैं ही एक जन बस रिकॉर्ड कर रहा था. सो आई रिस्पेक्ट दैट, आई सेड दैट कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कैजुअली रिकॉर्ड कर रहा था. उन्होंने छोड़ दिया नाम उम पूछ के. फिर उन्होंने पूछा भी एग्ज़ाम कैसे किया, बेस्ट ऑफ लक बोल के उन्होंने भी छोड़ दिया. So that is it for the video. I hope you enjoyed my verbal part of the video as well as the vlogging part. हाँ पता है vlog में थोड़ा सा camera shaky हो गया था क्योंकि roads थोड़ा सा मतलब uneven थे, तो unbalanced हो गया था vlog के time. If you liked my video, if you enjoyed my video, like the video and subscribe my channel. And one thing, my next video is going to be on JEE exam. So subscribe and stay tuned for future videos. And then at the end, सावधान रहे, सतर्क रहे.